हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बनाने जा रहे हैं सिद्धि विनायक के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मोदक, जो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कच्चा नारियल ले लिया है। अब कच्चे नारियल को या तो कद्दूकस कर लीजिए या छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसे पीलर से इस तरीके से कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत छोटा छोटा पीस मिलेगा और इसे पीसना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसे कर लिया है और अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो पहले तो इसे सूखा ही पीसेंगे, अभी इसमें कुछ भी एडिंग नहीं करेंगे। यदि हमें लगेगा ये पीस नहीं पा रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिलाएंगे। देखिए, अभी ये काफ़ी ज़्यादा सूखा है तो मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी ऐड कर दिया है। ढक्कन से कवर कर इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, परफेक्ट पीस चुका है। पैन में निकाल लेते हैं, गैस पर रख देंगे इसे और इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच देसी घी। कम आंच पर इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिससे काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाए। तो जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। ये देखिए, बहुत जल्दी ये सूखा सा हो जाता है, एकदम परफेक्ट ये सूख चुका है, काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब इसमें डालेंगे हम एक कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे और एक कप ही हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? यदि रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे YouTube चैनल शालिनी जैन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सीधे हाथ पे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाएगा। और यदि रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं। अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर को ऐड करने के बाद, अच्छे से मिलाने के बाद, इसमें डाल दिया है एक कप भुना हुआ गेहूं का आटा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ले लीजिए मोदक का सांचा, ये मैं सिर्फ 20 रुपीज़ का लेकर आई थी। इसमें डाल देंगे केसर का एक धागा, साथ में काली किशमिश। अब इसको भरना शुरू करेंगे और अच्छी तरीके से दबा दबा के भरेंगे जिससे शेप अच्छी बने, और ऊपर से इस तरीके से दबा देंगे और खोल लेंगे। बस कुछ ही देर में ये मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। यदि आपके पास इस तरीके का सांचा नहीं है तो आप हाथ से भी चम्मच से डिज़ाइन देकर ये मोदक बना सकते हैं, नहीं तो आप इसके लड्डू बना लीजिए, क्योंकि हमारे प्यारे विनायक को तो लड्डू भी बहुत पसंद है। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर आप ये मोदक जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है और घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको कई तरह के मोदक की रेसिपी मिल जाएगी, आप सर्च कर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।